गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हो बहुत अच्छे होंगे। अब ये देखिए, यहाँ जगह खाली हो गई है जहाँ मैं आईना लगाती थी, मतलब ड्रेसिंग टेबल जहाँ था वहाँ मैंने उधर उस तरफ शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा चेंजिंग किया है क्योंकि इस तरह का सब कुछ हो गया, तो मैं थोड़ा सा घर को बदलना चाहती हूँ ताकि थोड़ा माहौल भी बदले। और ये अभी सब कुछ बिखरा हुआ है अभी भी, मैं मतलब आप देख रहे हो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है अभी इतने दिन तक। और ये देखिए अभी भी यहाँ है, यहाँ है। और किचन ऑलमोस्ट सेट कर दिया है मैंने, ये भी पूरी अच्छे तरह सेट नहीं हुआ है। और दूध वगैरह रखा हुआ है, चाय पानी हमारा हो गया है। मेरे हस्बैंड गए ड्यूटी और मुझे बनाना है खाना, तो मैंने कल बनाया था आलू गोभी का भुजिया। तो ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, तो नाश्ता ये हो जाएगा मेरा। बच्चों का देखती हूँ, कुछ बना दूँगी पराठा वगैरह। और सब है गड़बड़ घोटाला। और यहाँ देखिए मैंने चेंज कुछ किया है, मैं तो सिखाती हूँ। तो यहाँ ड्रेसिंग टेबल और कपड़े, ये देखिए अभी भी इतने सारे पड़े हुए हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने अरेंज किए हैं लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इतने कपड़े यहाँ। फिर मैं पूरा गोल घुमा दूँ इतने कपड़े वहाँ। फिर यहाँ रजाई वगैरह, गद्दे वगैरह है, पर्दा वगैरह मैंने सब लगा दिया है धुल धाल के धुल के। और उस रूम से इस रूम में हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया सोना पड़ना, तो सब कुछ ठीक कर दिया। बस जो कपड़े हैं इतने सारे उन्हें अरेंज करना है, उन्हें सरिया के रखना है। और कुछ कपड़े अभी और मैं दिखाती हूँ, एक गट्ठर कपड़ा और, एक गट्ठर नहीं दो गट्ठर। ये देखिए इसमें का कपड़ा भी जो आप देख रहे हैं, ये इसमें का भी कपड़ा धुलना है मुझे। और मन नहीं मांगता है, धुलना ही हो जाता है। और ये गट्ठर देखिए, ये पुराने कपड़े हैं, इनको भी धुल के मैं रखूँगी। ऊपर रो रहा है बाप, मतलब पता नहीं चलता कि कपड़े इतने सारे कहाँ से निकल आते हैं। मुझे मालूम बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है कहाँ से काम इतना सारा निकल आ रहा है। और मुझे बनाना है सब्जी, तो ये है पत्ता गोभी और इसी का बनाएंगे हम सब्जी। तो आज पत्ता गोभी आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी मैं। बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। और पुराने कपड़े जब निकाल रही मैं, तो ये बच्चों के छोटे छोटे कपड़े जो निकल गए हैं उन्हें मैं किचन के काम में यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे के कपड़े ना किसी का देख के किसी को देने का मन करता है, और छोटे बच्चे का, थोड़े बड़े हो जाए तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे थे बच्चे तो उनके कपड़े सब पड़े हुए थे। और मैं हो गई हूँ पतली, ये देखिए तो मेरा हेल्थ बहुत डाउन हो गया है। ये देखिए हड्डी वगैरह सब निकल गई। तो अपने आप को आईना देख लो, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मेरी हेल्थ हो गई है बहुत कम। ये सब कपड़े मुझे नहीं आते थे, तो ये सब कपड़े मुझे आने लगे हैं। और हाँ देखिए, इसमें का भी कपड़े जो है वो भी मुझे धुलने हैं। और यहाँ कुछ भी अरेंज नहीं है, सब जैसे तैसे जैसे तैसे हैं। तो मैं वीडियो ऐसी छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, और थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। कभी कभी पापा की याद आ जाती है, आप बोले कभी कभी, क्योंकि काम में इतने व्यस्त रहते हैं ना, काम धाम इतना ज़्यादा है। और हाँ, बाबू का स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, 2 मार्च को उसका रिजल्ट निकलेगा। भगवान जी ने क्या बताया, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो वो 2 मार्च को पता चलेगा। और चलिए मैं सब्जी बना लूँ, आलू गोभी, आलू पत्ता गोभी की सब्जी बना लेती हूँ मैं। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए टेक केयर। ओम साई राम, साई राम सबका भला करेंगे। और इतने सारे कपड़े देख देख के ना सर में दर्द होता है, सब अरेंज करने देखिए। और जो ड्रॉर में सब कपड़े रखते हो सब भी मैंने धुल दिया, और कैसी लग रही हूँ, गंदी सी कुछ भी नहीं करती मैं, कुछ भी नहीं। आईब्रो बनाना है तो आईब्रो बनवाने जाऊँगी मैं। थोड़ा सा हेयर कट, होली में थोड़ा हेयर कट मैं चेंज करूँगी, अपना अच्छा नहीं लगता है। और होली में हो सकता है कि घर जाऊँ वापस में, और मैंने पहना है ये वाली चूड़ी, मोटी वाली चूड़ी है ये शीशा, और मुझे डर लगता है क्योंकि गिर पड़ जाती है मैं बहुत ज़्यादा, तो चोट लग जाती है इससे। फिर भी पहन लिया मैंने। और एक इयर रिंग मैं बनवाने का सोच रही हूँ, कान बिल्कुल खाली खाली सा अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए
रखिएगा अपना पूरा ख्याल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। और हाँ, शिकायत थी सबको कि मैं वीडियोस पे नहीं आती हूँ, तो देखो कैसे आती वीडियोस पे। जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको मालूम है कि मेरे फादर इन लॉ जो यहाँ रह रहे थे, रहते नहीं थे, इलाज के लिए आए थे, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, तो वो तो नहीं रहे। तो वापस हम लोग उसके अगले ही दिन पापा का जो दाह संस्कार होता है वो सब करके, वो अगले दिन हम लोग चले गए थे घर। और फिर आप जानते हैं ससुराल जाने का मतलब, ऊपर से ऐसा इस तरह का कुछ हुआ हो, शादी ब्याह में आप फिर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस सब में कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होता है, नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने नहीं किया है। और मैं ना किसी का देख पाती थी वीडियोस, और ना मैं वीडियो डालती भी थी, तो आपने देखा होगा 3-4 मिनट का किसी तरह से वीडियो मैंने डाल दिया था, और वॉच टाइम मेरा बहुत आधा हो गया है, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं डालती थी और मैं वीडियोस देखती भी नहीं थी किसी का, तो मेरा कौन देखेगा जब मैं नहीं देखूंगी किसी का। तो खैर, अब से देखा जाएगा वीडियोस, आपका भी देखेंगे, आप भी देख लीजिएगा वीडियोस मेरे। तो चलिए, एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। और प्लीज़ जो बैक हो गए आ जाइए, वॉच टाइम तो बहुत कम हो गया, बहुत अच्छा वॉच टाइम मैंने गेन कर लिया था, लेकिन बहुत कम हो गया है। और सब्सक्राइबर्स तो कभी बढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्यों, कैसे नहीं बढ़ते, कैसे किसी के बढ़ते हैं, मेरे बढ़ते ही नहीं, मालूम नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं बाद में, बाय, टेक केयर, ओम साई राम, साई राम, सबका भला करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल, ओम साई राम, सोन्या, बाय।